नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं। आज इस वीडियो में बात करें, काफी ज्यादा चर्चा चल रही है एक सब्जेक्ट के बारे में, वो है IBS का ये सब्जेक्ट। देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि इसके ऊपर भी कमेंट करें, इसके ऊपर भी वीडियो बनाए कि कैसा ये सब्जेक्ट को टैकल करें, कौन कौन सी फैकल्टीज अवेलेबल है। तो यार देखिए, IBS एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में मेरे को इतना ज्यादा पर्सनली नहीं पता, मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च भी नहीं करी इस सब्जेक्ट के बारे में, तो मेरा ऐसा कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ जो अपने फीडबैक लिए हैं, जो टेलीग्राम्स पर देखे हैं, जो टीचर्स की वीडियोस देखी है, तो उससे क्या निकल के आया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप IBS के अंदर बात करें तो IBS में देखिए अभी कोई इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ICAI ने बहुत सारी केस स्टडीज रिलीज करी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपके दो ग्रुप है, एक ग्रुप है, पहले बाकी सारे अगर आपके सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसको कंप्लीट करें। सबसे पहले तो आपको ये करना है। उसके बाद अगर ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाए, उसके बाद आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा लो के ऊपर, क्योंकि जो एनालिसिस करा गया है, जो पिछले ट्रेंड देखे गए हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी के देखे गए हैं या फिर केस स्टडीज के देखे गए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ये वेटेज, जो ये पांच चैप्टर्स के अलावा सबसे ज्यादा वेटेज है, तो वो वेटेज है आपकी लो के पेपर की। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक सबसे पहले आप जाकर फॉलो कर लीजिए रोहित चिप्पर सर करके है, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स है रोहित चिप्पर सर, जिनकी मेहनत, जिनकी यहाँ पर हार्डवर्क की बदौलत काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर उनकी एग्जामेशन आई है इको लॉ के अंदर, इलेक्टिव के अंदर, और बहुत सारे लकी स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले एग्जामेशन आ चुकी है इको लॉ के अंदर, अब वो कैरी फॉरवर्ड होगी और उनको IBS नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि IBS एक तरीके से यहाँ पर खिचड़ी है, बिल्कुल मतलब सारे सब्जेक्ट्स की खिचड़ी है, एक मतलब समझ से परे है। जब तक यहाँ पर मतलब पहला एक अटेम्प्ट नहीं निकलता, तब तक कमेंट करना, किसी का कुछ भी कहना, सब मतलब हवा में अपने अनुमान लगा रहे हैं कि पेपर ऐसा आएगा ऐसा नहीं आएगा, तो ये किसी के बारे में आप सुन सकते हैं सबकी, लेकिन देखिए अभी भी कुछ नहीं कह सकते। जब तक एक पेपर आप नहीं दे देते, जब तक ICAI मॉक टेस्ट रिलीज नहीं कर देता, पता नहीं चलता कैसा होगा। देखिए, हो सकता है ये इको लॉ की तरह इजी हो, क्योंकि सेम स्टडीज आ जाए, क्योंकि ICAI कई बार तो ऐसे करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग अटेम्प्ट है, तो कुछ केस स्टडीज तो अपनी रिपीटेड डालेगा जो आपके मॉड्यूल में दे रखी है या कहीं ना कहीं उन्होंने पहले पूछ रखी है। नई केस स्टडीज अभी शायद ना पूछी जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर खौफ सा है इस सब्जेक्ट का, तो शायद इंस्टीट्यूट थोड़ी सी मेहरबानी कर सकता है IBS के अंदर। तो ये मेरा मतलब ओपिनियन था। अगर आप देखें, रोहित चिप्पर सर को फॉलो कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा मतलब मेरे को लग रहा है इसके बारे में भी, IBS के ऊपर भी ये अपनी मेहनत कर रहे हैं। इनके अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें तो मैंने देखा उन्होंने पूरा एनालिसिस कर रखा है कि किस किस में से आपका सबसे ज्यादा वेटेज पूछा गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर वाइज कि किस में से ज्यादा वेटेज ICAI केस स्टडीज में पूछ रहा है। जैसे लो के अंदर डायरेक्टर्स में से बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आप वो चैप्टर्स पहले कर सकते हैं, लो को तो स्पेशली कर ले, क्योंकि उनका एनालिसिस जो मैंने देखा था, मैंने पर्सनली कोई एनालिसिस नहीं करा, रोहित चिप्पर सर का एनालिसिस किया था, तो उन्होंने एनालिसिस में दिखा रखा है कि सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर, अगर आप किसी मतलब उस सब्जेक्ट की बात करें जो आपके मेन सब्जेक्ट्स में नहीं है और पांच सब्जेक्ट्स में, वो है लो। अगर बात करें, काफी लोगों के मन में खौफ है SCMP का, तो मैं आपको बता दूं, देखिए SCMP का जो एनालिसिस देखने को मिला है वो काफी कम परसेंटेज यहाँ पर SCMP की पूछी गई है। जरूर आपने मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए उसके लिए पढ़ना है, सेल्फ बेस्ड के लिए, लेकिन अभी आपको मेरे को लगता है SCMP को इतना फोकस ना करते हुए आपको फोकस करना है, आपको लो पर फोकस करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और देखिए, धीरे धीरे नई नई रिवीजन वीडियोस YouTube पर अवेलेबल होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आएगी नहीं, अभी बहुत मतलब अभी क्लैरिटी इतनी नहीं है ना, और बाकी टीचर्स अपने और सब्जेक्ट्स में बिजी है, कोई स्पेशली मल्टीडिसिप्लिनरी कह रहा हूँ या IBS कह रहा हूँ, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं दिखा रहे। लेकिन देखिए, धीरे धीरे अब आएगा इनके ऊपर भी फोकस, अब चर्चा चलेगी, डिमांड बढ़ेगी। देखिए, अब मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ टीचर्स के जिनकी मैंने सुना है कि ये कंटेंट लाने वाले हैं। बात करें, अतुल अग्रवाल सर ने कहा है कि IBS का ये कंटेंट तैयार हो चुका है, किताबें तैयार हो रही है और यहाँ पर वो क्लासेस भी लाने वाले हैं, तो अतुल सर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए, पहली बार तो देखिए रिस्की रहेगा, जिसको आपको किसी पर भरोसा तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में आप नहीं कह सकते कि अतुल सर अच्छे हैं या फिर इनको फॉलो करें। मैं पर्सनली आपको कहूंगा एक रोहित चिप्पर सर को तो आप फॉलो कर लें, क्योंकि वो जो कंटेंट प्रोवाइड करते थे इकोलो में, उनकी वजह से बहुत यहाँ पर लोगों की हेल्प मिली है, और मुझे लगता है शायद वहां पर वो यहाँ पर इसमें भी हेल्प करेंगे आपकी, जैसे कि वो बता रहे हैं कह रहे हैं। तो मेरे को लगता है एक रोहित चिप्पर सर को फॉलो कर लीजिए, अतुल सर लाएंगे। मैंने प्रवीण शर्मा सर की दो तीन दिन पहले वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम सारे टीचर्स मिलकर जो हमारे एलडाइन वाले हैं वो IBS के लिए फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं कुछ ऐसा कंटेंट, होप सो बहुत अच्छा कंटेंट हो उनका, जल्द से जल्द आए, क्योंकि काफी मतलब अब तो 2 महीने रह गए हैं,
काफी खौफ है लोगों के मन में आईबीएस को लेकर, तो शायद क्लियरिटी आ जाए। और भी टीचर्स है, शुभम सिंगल सर भी कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहते हैं आईबीएस के ऊपर, और भी मतलब टीचर्स है काफी है, मतलब अगर और कोई टीचर हो आईबीएस के अंदर, आप कैसे फॉलो कर रहे हैं आईबीएस को ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि कमेंट में आपको बताएंगे, इससे क्या होगा कि बाकियों की हेल्प हो जाएगी और यहाँ पर आपके कमेंट लाइक से ज्यादा तक लोगों तक यहाँ पर ये वीडियो पहुंचेगी। बस इसी तरीके से आपका दोस्त पीपल इसी तरीके से जुड़ता रहेगा आपके बीच, आप अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं बता दें, कमेंट कर दें, कुछ भी आपका फीडबैक है बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका दोस्त आपका विपुल आपके लिए हाजिर होगा। बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, अलविदा, बाय बाय।